हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि माता सीता ने 5 जनों को श्राप दिया था जो कि आज भी इस कलयुग में भोग रहे हैं। इसके पीछे कुछ इस तरह से कहानी है। कहा जाता है कि एक बार माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंड दान किया था। जी हाँ, और उसी क्रम में माता सीता क्रोधित होकर 5 जनों को श्राप दे डाली थी। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं इसके बारे में पूरी कहानी कि माता सीता ने किन्हें श्राप दिया था, वो 5 जने कौन है, माता सीता को आखिर क्यों करना पड़ा था अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान। ये सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सुचित्रा आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज अनबॉक्सिंग बाय सुचित्रा। तो चलिए आज के वीडियो में फिर से कुछ नया जानते हैं। आप सभी लोगों ने रामायण की कथा तो जरूर से सुनी होगी। हम सभी को पता है कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 साल वनवास में रहे। ये तो आप सभी को पता है, लेकिन मैं रामायण की एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाली हूँ जो कि शायद ही आपको पता होगी। इस घटना के दौरान माता सीता ने 5 चीजों को श्राप दिया था और आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये 5ों आज भी इस युग में अपना श्राप भुगत रहे हैं। और माता सीता ने वहीं पर इस घटना पर एक को वरदान दिया था और इस युग में आज भी उसकी हम लोग पूजा याचना करते हैं और वह वरदान अभी भी फलीभूत है। तो चलिए इस घटना के पीछे क्या कहानी जुड़ी हुई है इसके बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास काट रहे थे, तभी इसी दौरान पता चला उन्हें कि उनके पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी है। दरअसल राजा दशरथ अपने पुत्र का वियोग सह नहीं पाए और पुत्र के वियोग में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को इसके बारे में पता चला वन में, तो मानो उन तीनों के पैरों के नीचे जमीन घिसक गई हो। यह दुखद समाचार सुनने के बाद भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता गया धाम पहुँचे जो कि बिहार राज्य में है। वहाँ पर फल्गु नदी के पास जाकर पहुँचे ताकि अपने पिता महाराज दशरथ के आत्मा की शांति के लिए, उनके मोक्ष की प्राप्ति के लिए वहाँ पर पिंडदान कर पाए और वहाँ पर उस नदी के किनारे श्राद्ध कर पाए। श्राद्ध करने के लिए कुछ सामग्री की जरूरत थी, जिसे लेने के लिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों जंगल की तरफ चले गए और जाते जाते माता सीता से कहा कि आप यहीं पर नदी के तट पर रुकिए। माता सीता ने ठीक वैसे ही किया। दोपहर हो आई, लेकिन भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का कुछ भी पता नहीं था। पिंडदान का शुभ मुहूर्त भी बीता जा रहा था, तभी दशरथ जी की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। माता सीता उस समय असमंजस में पड़ गईं, क्योंकि भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों ही नहीं थे वहां पर अपने पिता को पिंडदान देने के लिए। लेकिन महत्व उन्होंने समझा समय का और माता सीता ने अपने पिता समान ससुर दशरथ को पिंडदान दिया भगवान राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में ही। माता सीता ने पूरी विधि विधान के साथ पिंडदान को संपन्न किया और राजा दशरथ ने भी उस पिंडदान को स्वीकार किया। दशरथ जी को जब माता सीता पिंडदान कर रही थी, दे रही थी, तब माता सीता ने 6 चीजों को उस चीजों का साक्षी बनाया था। गाय, वट वृक्ष, कौवा, तुलसी का पौधा, पंडित और फल्गु नदी। क्योंकि माता सीता को भय था कि उनकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा कि माता सीता के हाथों से राजा दशरथ ने पिंडदान को स्वीकार किया है, इसलिए माता सीता ने इन 6 चीजों को अपना साक्षी बनाकर रखा था। थोड़ी देर के बाद भगवान राम और लक्ष्मण वहां पर पहुंचे। माता सीता ने कहा कि मैंने पिंडदान कर दिया है और पिताजी ने इसे स्वीकार भी किया है। आप चाहे तो फल्गु नदी, वट वृक्ष, तुलसी के पौधे, कौवे, पंडित, सारी चीजों से आप पूछ सकते हैं, वे आपको बताएंगे। तब माता सीता ने बहुत ही प्रसन्नता के साथ 6 चीजों से कहा कि आप भगवान श्री राम को बताएं कि किस तरह से राजा दशरथ जी ने पिंडदान को स्वीकार किया। पूछने पर फल्गु नदी, गाय, कौवा, पंडित और तुलसी के पौधे ने झूठ बोल दिया और 5ों मुकर गए।
लेकिन सिर्फ वहाँ पर वट वृक्ष था जिसने सत्य कहा था और माता सीता का उसने साथ दिया था। वट वृक्ष ने भगवान राम को सारी बात बताई। जब माता सीता ने पांचों को देखा कि किस तरह से वे पांचों मुकर गए हैं और झूठ बोल रहे हैं, तो माता सीता बहुत ही दुखी हुई और क्रोधित होकर उन पांचों को श्राप दे दिया। माता सीता ने इस फल्गु नदी को श्राप दिया कि तुम सिर्फ नाम के लिए ही नदी रहोगी और हमेशा तुम सूखी पड़ी रहोगी, और यह जो श्राप है आज भी यह नदी भुगत रहा है। अगर आप आज भी गया बिहार में जाकर इस फल्गु नदी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक रेत सी जमीन है और उसमें आपको पानी नजर नहीं आएगा। जब आप उस रेत को हल्के से हाथों से कोड़ेंगे या तो किसी डंडी से अगर आप कोड़ेंगे, तब आपको जाकर उसमें से हल्की सी पानी दिखाई देगी। ये मैं इसलिए डिटेल में बता पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं खुद भी होकर आई हूँ और वाकई ये एकदम सही बात है। आज भी यह फल्गु नदी यह श्राप भुगत रहा है। फिर माता ने गाय को श्राप दिया क्योंकि उसने भी झूठ बोला था। गाय को श्राप यह दिया कि तुम पूज्य होकर भी लोगों का झूठा खाओगी। उसके बाद माता सीता ने पंडित को भी श्राप दिया क्योंकि पंडित ने भी घोर अपराध किया था, उसने भी झूठ बोला था। माता सीता ने पंडित से कहा कि तुम कभी भी संतुष्ट नहीं रहोगे, तुम्हें दान दक्षिणा तो जरूर से मिलेगी लेकिन संतुष्टि कभी नहीं। उसके बाद बारी आई कौवे की। माता सीता ने कौवे को श्राप दिया कि तुम हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाना खाओगे। और उसके बाद तुलसी को भी माता सीता ने श्राप दे डाला क्योंकि उसने भी घोर अपराध किया था और भगवान श्री राम के सामने माता सीता को झूठा साबित किया था। तुलसी जी को सीता ने श्राप दिया कि वह गया की मिट्टी में कभी नहीं उगेगी। इन पांचों को आज भी इस श्राप को भुगतना पड़ रहा है इस युग में। और माता सीता ने सिर्फ वट वृक्ष को ही आशीर्वाद दिया क्योंकि वट वृक्ष ने ही सिर्फ सत्य कहा था। वट वृक्ष को सीता जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम लंबी आयु प्राप्त करो। और वट वृक्ष को माता सीता ने यह भी आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी पेड़ की पूजा की जाएगी, पतिव्रता स्त्री अपने पति के लंबी आयु के लिए तुम्हें पूजेगी। इसीलिए इस वरदान के कारण वट वृक्ष की अभी तक पूजा होती है। जब वट सावित्री आता है तो बरगद के पेड़ मतलब कि वट वृक्ष में धागा बांधा जाता है, उसकी पूजा की जाती है। और ऐसे भी अन्य पूजा में भी वट वृक्ष को काफी माना जाता है। और वहीं पर वे पांचों आज भी वो श्राप को भुगत रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, गाय अभी भी आपको कहीं भी सड़क पर झूठा कूठा खाते हुए मिल जाएगी। आज हम लोगों ने जाना कि माता सीता ने किसे श्राप और वरदान क्यों दिया था, इसके पीछे क्या कहानी जुड़ी हुई थी, और भारत में वो कौन सी जगह है जहां पर माता सीता ने पिंडदान किया था। अब आप समझ गए होंगे कि गया जो बिहार में है, इस जगह को इतना पावन क्यों माना जाता है। कहा जाता है कि जो लोग भी यहाँ पर आकर पिंडदान करते हैं उनके पूर्वज भी मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप सभी को पता है कि माता सीता ने किन पांचों को श्राप दिया था और क्यों दिया था, इसके पीछे पूरी क्या कहानी है, ये सारी चीजें अब आप सभी को पता है। और ये भी पता है कि गया इतना फेमस क्यों है, इतना प्रसिद्ध क्यों है, लोग दूर दूर से गया आते हैं पिंडदान करने के लिए, ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, ये सारी चीजें आज आप लोगों ने इस वीडियो में जानी। तो अगर आपको लगा हो कि मैंने इस वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी दी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो अभी के लिए मैं सुचित्रा आप सभी लोगों से इजाजत चाहती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।